हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया फेरी टेल्स कनाडा। और आई एम सानिया फ्रॉम सानिया फेरी टेल्स कनाडा और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। सो गाइस, ये मेरी जो आज की वीडियो है ये उन नर्सेस के लिए है जो यहाँ पे कनाडा में आ चुकी हैं और जिनका एनएनएस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जिनका नहीं भी हुआ है एनएनएस प्रोसेस कंप्लीट। दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दोज नर्सेज हु आर गोइंग टू रजिस्टर विद CNO। CNO इज़ कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ऑन्टारियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने के लिए, टू बिकम अ लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स और यहाँ रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए, वो हम कैसे मीट कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली CNO ने एक रूल बनाया है जिसके अंडर ये आता है कि इफ़ you must meet the language proficiency requirement through one of the 7 available options। जो CNO है उन्होंने 7 ऑप्शंस दी हैं। आई विल डिस्कस दिस वन बाय वन नाउ। तो इसमें CNO ने ये बोला है कि अगर आप उन 7 लिस्ट ऑफ जो उनका क्राइटेरिया है, अगर आप 7 चीज़ों में से उनको कुछ भी प्रूफ दे देते हो, एक सही प्रूफ देना है, इट शुड नॉट बी फेक। सो यू हैव टू गिव एन अप्रोप्रिएट मटीरियल और अप्रोप्रिएट प्रूफ टू CNO। तो वो जो 7 चीज़ें हैं दैट आई विल टेल यू, उसमें से पहली चीज़ है कि अगर तो आप कैनेडियन ज्यूरिसडिक्शन में अगर तो आप ऑलरेडी नर्स हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है मेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई नर्सेज यहाँ पे LPN का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं और वो ऑलरेडी एज एन LPN काम कर रही हैं और अब उन्होंने RN की एप्लीकेशन खोली है, तो वो क्या कर सकती हैं, अगर उनका RN का एग्ज़ाम है, दिस NCLEX RN एग्ज़ाम विच यू हैव टू राइट है इन कनाडा, और आप USA का भी दे सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया का भी दे सकते हो। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपकी LPN की एप्लीकेशन चल रही है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, अगर आपकी LPN की एप्लीकेशन चल रही है और अभी आपने RN की स्टार्ट नहीं करी या LPN के बाद स्टार्ट करी है, तो उस फेज़ में क्या होगा, अगर आप ऑलरेडी LPN के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, इफ़ यू हैव लाइसेंस ऑफ LPN, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ कैनेडियन नर्स इन कैनेडियन ज्यूरिसडिक्शन। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। और सेकेंड चीज़ है एजुकेशन। सो एजुकेशन में यहाँ पे CNO की वेबसाइट पे मेंशन है, अगर आपने ये लास्ट रिसेंट ईयर्स में कुछ भी नर्सिंग एजुकेशन का कुछ भी कंप्लीट किया है, कोई भी नर्सिंग आर्स हैं आपके, कोई नर्सिंग वर्किंग आर्स रहे हों या इंग्लिश में या फ्रेंच में, जिसमें आपका कोई क्लिनिकल कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट हैव क्लिनिकल कंपोनेंट इन दैट करिकुलम और इन दैट वर्किंग पीरियड। उसमें ये है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड एन अप्रूव्ड नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम इन इंग्लिश और फ्रेंच विद अ क्लिनिकल कंपोनेंट इन एनी ज्यूरिसडिक्शन, अगर आप ऑन्टेरियो के अंदर हैं, अगर आप ऑन्टेरियो के बाहर हैं, अगर आपने कुछ भी नर्सिंग का किया है तो आपका ये जो कंपोनेंट है दैट विल मीट। आपको कुछ प्रूफ CNO बोलेगी भेजने को, अगर आप वो प्रूफ उनको वैलिड दे देते हो तो वो आपकी रिक्वायरमेंट CNO जो है वो मेट कर देगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ if you have completed a healthcare or healthcare support program in English or French with a clinical component in Canada। अगेन, पहला जो था, इससे पहले मैंने बताया, उसमें ये था कि अगर आपने नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम कुछ किया है रिसेंटली इन दीज 2 years, तो भी आप अगर CNO को वैलिड अपना सारा कुछ भेजोगे प्रूफ्स के साथ, उन्हें मेंशन करोगे कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो CNO विल मीट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अनदर थिंग इज़, अगर आपने हेल्थ केयर या हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ भी रिसेंटली करा है स्टडीज़ में और उसमें क्लिनिकल कंपोनेंट ज़रूर इंक्लूडेड अगर होगा, और अगर आप CNO को वो चीज़ें सारा सेंड करोगे तो CNO विल मीट योर दिस रिक्वायरमेंट एज वेल। फोर्थ थिंग इज़, आई हैव कंप्लीटेड एडिशनल नर्सिंग एजुकेशन इन इंग्लिश और फ्रेंच विद अ क्लिनिकल कंपोनेंट। अगर आपने BSc नर्सिंग या कुछ भी नर्सिंग कंपोनेंट जिसमें हो, उसके अलावा भी कुछ और नर्सिंग में कोई सर्टिफिकेशन रिसेंटली करी है या कुछ भी नर्सिंग एजुकेशन ली है इन कनाडा और इन एनी ऑफ द नर्सिंग ज्यूरिसडिक्शन, तो आपका जो है वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो क्राइटेरिया एक होता है हमारी CNO एप्लीकेशन के साथ, that will also meet the requirements. Then ये तो था सारा अपना education का कि अगर आपकी education इन दो तीन चीज़ों में से कुछ है तो आपका MET हो जाएगा, या आप already Canada में as a nurse work कर चुके हो तो आपका फिर भी MET हो जाएगा. Then the third is experience. अगर आपको last past 2 years का कुछ experience है nursing में, whether you are using French or you are using English communication skills very appropriately or up to the mark, तो इसमें भी आपका क्या होगा, आपका जो experience होगा वो जो होगा MET कर देगी CNO. अगर आपका जो practical जो आपका experience है वहाँ का आपका वहाँ पे आपकी reading, listening, writing and speaking skills जो हैं वो appropriate हैं, आप अच्छे से उसे use कर पा रहे हो. So you can request your employer to send a request to waive off your language proficiency to CNO. तो जो CNO क्या होगी वो आपके employer से जो है वो कुछ forms होते हैं, फिर CNO देती है कि आपको अपने employer से verify कराने हैं. But most probably अगर आपका employer Canada का है और आप किसी employer के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हो and you are using English in a very different way, in a very good way, you are using your appropriate skills, you have nice skills in listening, reading, writing and speaking, so definitely I don't think that any employer will refuse you to write this kind of letter. So your employer can send that in writing that please if you can waive off her language proficiency test. तो CNO कई बार वो भी consider कर लेती है if that is genuine. तो उसके बाद है अगर आपका कोई experience है health care setting में जिसमें आपने जितनी भी सर्विसेज हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच में दी हों और आपकी इंग्लिश अच्छी हो, उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग वो जो सारे स्किल्स होते हैं आपने अपनी हेल्थ केयर सेटिंग में अच्छे से यूज़ करे हैं इन कनाडा में, तो वो भी जो आप एक्सपीरियंस है रीसेंट एक्सपीरियंस वो आप CNO को दिखा सकते हो, उनसे आप कॉल पे बात कर सकते हो कि आई हैव दिस एंड दिस एक्सपीरियंस. तो देन CNO विल टेल यू द फर्दर स्टेप्स कि उनको आपके एम्प्लॉयर से और क्या क्या डेटा चाहिए इसकी जेन्युइननेस जानने के लिए. देन द लास्ट 7th वन इज़ कि अगर आपने रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स में IELTS या सेलबेन का कोई टेस्ट दिया है तो उसके जो लेटेस्ट स्कोर्स होंगे यहाँ पे कनाडा में जो IELTS का टेस्ट है उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 7 ओवरऑल बैंड्स चाहिए. उसका मैं आपको भी फर्दर बताती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड. So guys, सेलबैंड टेस्ट है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज बेंचमार्क असेसमेंट फॉर नर्सेस. तो जिन्होंने IELTS नहीं दिया होता या जिनकी बाकी 7 चीज़ों में से रिक्वायरमेंट्स कोई भी फुलफिल वो नहीं कर पा रहे, लाइक उनके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई अपनी कंट्री का इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई रीसेंट नर्सिंग एजुकेशन नहीं है, कोई नर्सिंग एक्सपीरियंस लेटेस्ट नहीं है, सो दे हैव टू सिट फॉर सेलबैन या NCLEX. तो सेलबेन जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें स्कोर्स आपको कितने चाहिए, राइटिंग में 7, स्पीकिंग में 8, लिसनिंग में 10 और रीडिंग में 8. सो ये जो है सेलबेन का टेस्ट, अगर वो 7 जो चीज़ें हैं आपको जो भी मैंने रिसेंटली बताई हैं अगर वो 7 चीज़ों में से आपका कहीं भी फिट नहीं होता है क्राइटेरिया, देन यू हैव टू सिट फॉर सेलबेन एग्ज़ाम और फॉर IELTS, ईदर फॉर सेलबेन और फॉर IELTS. तो सेलबेन की स्कोर मैंने आपको बताई है, इसकी वैसे भी सारा कुछ डिटेल इसका जो है CNO की वेबसाइट पे दिया है, मैं नीचे लिंक आपको शेयर कर दूंगी फॉर योर हेल्प. और दूसरा है IELTS. अगर आपने रिसेंटली कोई IELTS का टेस्ट दिया है रिसेंटली 2 इयर्स में, यू कैन सेंड दो स्कोर्स टू CNO. तो CNO जो है आपका थोड़ी देर के लिए जो टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की जो रिक्वायरमेंट है दे विल मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. और इंग्लिश प्रोफिशेंसी में जो IELTS का टेस्ट है उसकी क्या स्कोर हमें चाहिए, दैट इज़ राइटिंग में 7, स्पीकिंग 7, लिसनिंग 7.5, रीडिंग 6.5 और टोटल हमें 7 चाहिए. सो ये था सारा सिस्टम इंग्लिश प्रोफिशेंसी को वेव ऑफ करने का. इफ़ यू थिंक यू हैव अमेजिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इन लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सो यू कैन do or follow any one of those criteria which I already listed. तो और ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो 7 क्राइटेरियाज मैंने गाइस आपको बताए हैं ये इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं फ्रॉम मार्च 7, 2022। ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये एक महीने बाद अराउंड 7 मार्च 2022 के बाद ये CNO जो है ये इम्प्लीमेंट करने जा रही है कि जिनकी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना होने की वजह से या जिनका भी फाइल की जो प्रोसेसिंग है या जिनका लाइसेंस डिले हो रहा है, उनको ये 7 क्राइटेरियाज में से अगर कुछ भी इनके साथ मैच करता है, इफ़ यू हैव नर्सिंग एजुकेशन, इफ़ यू हैव एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन IELTS और सेलबैन इन रीसेंट 2 years, CNO विल मीट योर रिक्वायरमेंट्स। सो ये थी मेरी लेटेस्ट वीडियो और इसमें कुछ फॉर्म्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू सम पार्ट ऑफ दैट फॉर्म जो आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीट करने के टाइम पे काम आएंगी। सो गाइस, दिस इज़ द फॉर्म आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। ये CNO की सारी वेबसाइट्स पे हैं। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म you will need for your experience form। एक्सपीरियंस फॉर्म आपको चाहिए। ये मैं ज़्यादा क्लियर नहीं शो करूँगी बिकॉज इसमें मेरा पर्सनल डाटा ऑलरेडी सेव्ड है। मैं लिंक डालूँगी, वहाँ से आप जो है अपने फॉर्म्स वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप CNO को सेंड कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। सो द नेक्स्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ एविडेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सोर्सेज ऑफ एविडेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको क्या बताना है कि आपने कहाँ कहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉयर्स थे जिनके अंदर आपने काम किया है, या कितने सारे स्कूल्स थे, या कितने सारे नर्सिंग एजुकेशन सर्टिफिकेशंस आपने करी हैं। वो लिस्ट ऑफ जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस वो आपको मेंशन करनी है, नीचे अपना नाम बताना है और साथ अपना एप्लीकेशन नंबर देना है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग द फॉर्म इज फ्रॉम CNO। फाइन, सो आई विल शो यू clear ones as well by linking in description below। So कोई एक verification of nursing practice होता है और the next one is applicant form। ये वाला form भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। This is the applicant form। ये पूरा जो है क्लियर फॉर्म आपको CNO की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी कि ये फॉर्म्स आप कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जब आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को वेव ऑफ कराना है या उसको मेट करवाना है। और सी गाइस, देयर इज़ नो गारंटी कि CNO ये सब चीज़ें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स देखे वो आपकी वेव ऑफ करेगी ही करेगी। ये जस्ट उन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप अपनी IELTS या सेलबैन का जो एग्ज़ाम है वो नहीं देना चाहते and you think कि आपकी English जो language proficiency है that is quite good, you have high skills in reading, writing, listening and speaking, if your skills are nice, they are good, तो CNO ये वाले जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो 7 इन्होंने जो स्टेप्स रखे हैं या जो 7 तरीके की जो चीज़ें इन्होंने रखी हैं ये वो कंसिडर कर सकती हैं। इट्स नॉट कि वो 100% कंसिडर करेंगी, बट इफ़ यू हैव एवरीथिंग जेन्युइन इन योर एप्लीकेशन और आपका एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर का जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल अच्छा है, आपने अच्छे से काम करा है यहाँ पे कनाडा में, आपने कोई नर्सिंग सर्टिफिकेशन करी है लास्ट 2 years में, सो दैट्स अ गुड थिंग, यू कैन शो द प्रूफ टू CNO। एंड द नेक्स्ट वन इज़ समरी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। समरी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में ये फॉर्म इसलिए होता है कि आपका ये जो समरी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में आपको मेंशन करना होता है कि आपने किस एम्प्लॉयर के अंदर काम किया है। उसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयर होता है, मेलिंग एड्रेस, हिज सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री और कब आपकी एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट डेट थी, कब आपकी वो एंडिंग डेट थी। ये सारे फॉर्म्स CNO की वेबसाइट पे गिवन हैं। और कई बार CNO ना कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी चाहती है, कई बार कुछ कस्टमाइज्ड फॉर्म्स होते हैं, वो तब आते हैं जब आप ये रिक्वेस्ट उनको डालोगे। तो कई बार आपका जो CNO का एप्लीकेशन जो अकाउंट होता है उसमें मैसेज सेंटर पे जाके अगर CNO कोई आपको मैसेज भेजती है कि हमें ऐसा कस्टमाइज फॉर्म फिल चाहिए फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और फ्रॉम योर साइड, तो वो भी आपको वहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपने एम्प्लॉयर को सारे डिटेल्स भेजने होते हैं, कि एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमने CNO के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो CNO की एक रिक्वायरमेंट है कि हमें ये प्रूफ चाहिए। तो अगर आपका एम्प्लॉयर इफ़ ही और शी इज़ नाइस नेचर्ड पर्सन तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उसे लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो स्किल्स हैं वो अच्छे हैं, So then he can send everything, whatever is required by CNO. So there will be no problem in your application. I don't think so. So ये सारी चीज़ें हैं. Summary of nursing जो है, I will show you like this. Summary of nursing practice ऐसे आपको mention करना होता है. तो ऐसे करके कुछ होते हैं, कुछ ये forms. So this is all guys about this video. तो ये जो है ये उनके लिए है गाइस जिन्होंने अभी तक अपना CNO का अभी तक जो है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए वेव ऑफ रिक्वेस्ट नहीं डाली है, जिन्होंने अभी तक IELTS नहीं दिया है, जिन्होंने अभी तक सेल बैन नहीं दिया है, या जिन्होंने दिया है बट वो उसे क्रैक नहीं कर पाए, एप्रोप्रिएट जो ग्रेड्स हैं वो नहीं ले पाए, बट वो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में, बट दे थिंक कि हमारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो स्किल्स हैं अच्छे हैं, हम ये रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं. सो दे कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस आफ्टर 7 मार्च 2022, क्योंकि ये सब चीज़ें CNO 7 मार्च 2022 के बाद ही कंसिडर करने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी साइट पे लिखा है कि जो एप्लीकेशंस हमें मार्च 7, 2022 से पहले आई हैं उनको हम पहले क्राइटेरिया के हिसाब से डील करेंगे, और जो हमें एप्लीकेशंस मार्च 7, 2022 के बाद आई हैं उन पे ये वाला जो क्राइटेरिया है लिस्ट ऑफ 7 थिंग्स, इनमें से अगर कोई चीज़ हमें एप्लीकेंट देता है तो वी विल कंसिडर, वी विल सी ईदर टू कंसिडर और नॉट टू. तो ये चीज़ें आप जा सकते हैं. मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में CNO की वेबसाइट और कहाँ कहाँ से हम क्या क्या फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं I will write there, I will mention there. From there you can guys go to that link, download forms and you can send to CNO. So that's it guys. So I hope कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो. मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैं उस अकॉर्डिंग के लिए मैंने बनाया है, और जो रिसेंटली अभी इसी जनवरी 2022 में यही लॉ आया है, दिस इज़ द रूल मेड बाय CNO, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि 7 चीज़ें, इफ़ यू मीट वन ऑफ द 7 क्राइटेरियाज़ तो हम आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को मेट कर देंगे. तो मैं नीचे लिंक में सब कुछ डाल दूँगी गाइस, वहाँ से अपने फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, जो जो आपको हेल्प रिक्वायरमेंट हो वहाँ से. और अगर इन केस आप कुछ पर्सनली अपनी एप्लीकेशन के बारे में पूछना है या कुछ पर्सनल कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी पर्सन का रिप्लाई कर सकूँ जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी. तो इन केस अगर आपका अगर 7 की 7 रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी नहीं मैच करता है, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग फ्रॉम दीज 7 थिंग्स, तो आपको क्या करना है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक IELTS और सेल बैन. और उसकी स्कोर आपको मैंने बताई है, IELTS की 7 चाहिए ही चाहिए, और सेल बैन में आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड द बेंचमार्क स्कोर्स विच यू रियली नीड टू सेंड टू CNO इन ऑर्डर टू मीट योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स. सो दैट्स ऑल गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो. और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि एविडेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी एक न्यू रूल आया है, जिसमें जिन लोगों की एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस एक्सपायर हो चुकी है वो क्या कर सकते हैं अपनी एविडेंस ऑफ लैंग्वेज एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस को मीटअप करने के लिए. CNO ने ऐसा कौन सा एक बहुत अच्छा रूल बनाया है, ये भी रिसेंटली आया है, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज. So I will discuss that in my coming video. So till then, bye guys, goodbye, have a great day, have a safe day. तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क ऑन माय चैनल. सो थैंक यू.